इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। पहले समझते हैं व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी एंड व्हाई डू यू नीड टू इश्यू डिबेंचर्स फॉर दिस। सो कोलैटरल सिक्योरिटी मींस एडिशनल सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ कंपनी रिक्वायर्स लोन इट गोज टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक। सो बैंक इज रेडी टू गिव द लोन बट एज सिक्योरिटी दे विल आस्क द कंपनी टू प्लेज समथिंग। सो द कंपनी प्लेज इट्स सम एसर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग प्लेज कर दी कंपनी ने एज सिक्योरिटी, वो रख ली गिरवी बैंक ने। नाउ द बैंक इज सेइंग ऑल्दो आई हैव दिस बिल्डिंग एज सिक्योरिटी आई वॉन्ट समथिंग एडिशनल एज सिक्योरिटी। तब फिर कंपनी क्या करती है कि अपने डिबेंचर्स इशू कर देती है और वो डिबेंचर्स तब तक बैंक एक्सरसाइज नहीं करेगा, मतलब तब तक एक्चुअल में वो डिबेंचर्स को यूज नहीं करेगा जब तक कंपनी लोन या उसके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं कर देती पेमेंट के अंदर। सो यदि मान लो अब कंपनी ने डिफॉल्ट किया, इन केस ऑफ डिफॉल्ट फर्स्ट द एसर्ट्स प्लेज्ड बाय द कंपनी विल बी सोल्ड एंड इफ द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड फुल्ली फ्रॉम द एसर्ट सोल्ड देन एक्चुअली द डिबेंचर्स विल बिकम अलाइव, टिल देन इट इज ओनली डॉर्मेंट, दैट इज डिबेंचर्स होके भी उसका कोई यूज नहीं है, उस पे कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं किया जाता। टिल देन जब तक कंपनी डिफॉल्ट नहीं करे एक्चुअल में वो डिबेंचर्स दे डोंट कम इनटू पिक्चर फॉर यूजिंग देम। ओके, वंस द कंपनी डिफॉल्ट टू दैट एक्सटेंट दैट प्राइमरी एसर्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड देन और फुल्ली एग्जॉस्ट हो गए हैं प्राइमरी एसर्ट्स जो कि प्लेज हुए थे, उसके बाद फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक हैं फिर क्या करेगी, वो अपने डिबेंचर्स जो हैं उनको बेचेगी और अपना पैसा खड़ा करेगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कोलैटरल सिक्योरिटी मींस एडिशनल सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। हाँ, वो सेकेंडरी सिक्योरिटी ही है ना, क्योंकि प्राइमरी सिक्योरिटी तो ऑलरेडी कोई एसर्ट्स कंपनी ने सिक्योर कर रखे हैं विद द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑन दीज डिबेंचर्स इज इंटरेस्ट पेड, द आंसर इज नो, इस पे कोई इंटरेस्ट पे भी नहीं किया जाता है। व्हेन कंपनी कैनॉट रीपे द लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल फर्स्ट सेल द प्राइमरी सिक्योरिटी। जो मेरे केस में अभी हमने देखा था कि बिल्डिंग, हमने एक एग्जाम्पल दिया तो बिल्डिंग बेचेगी पहले। इफ देर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग अमाउंट देन द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी एज कोलैटरल सिक्योरिटी विल बी यूज्ड। इट इज ओनली ऑन डिफॉल्ट बाय द कंपनी सच डिबेंचर्स बिकम्स अलाइव। ओके, तब तक वो डिबेंचर्स डॉर्मेंट ही पड़े रहते हैं, उसको कंपनी का यूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक कंपनी डिफॉल्ट नहीं करे तब तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन डिबेंचर को यूज नहीं कर सकते। सो नाउ वी विल लर्न हाउ विल बी द अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी।